एक समा वो था कि हर आने वाले पल की राह देखते थे, और इस 10:30 में एक ये समा है कि हर गुजरा हुआ पल जाता था। आई थिंक सबसे पहले तो मैं लामा साहब से जो आज मैंने सीखने को मिला कि कैसे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर और बैक करते हुए 11,000 किलोमीटर खजून साहब आपने किया, इट इज सच अ बिग मोटिवेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह क्या सीन है। हेलो एवरीवन, और आज फिर हम एक बार आ गए हैं संडे राइड पे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और ये मेरे पीछे है लांबा एंटरप्राइजेस, और हम जो राइड कर रहे हैं वो आरी की राइड कर रहे हैं, और हम जा रहे हैं गुड़गावा, और गुड़गावा में आज हम स्क्रैम जो बाइक है उसकी टेस्टिंग करने वाले हैं, जो आरी ने ऑर्गेनाइज़ किया है। आज ब्रेकफास्ट ऑर्गेनाइज़ किया है और स्क्रैम की टेस्टिंग है, 411 cc है, और उसका पूरा ऑफ रोडिंग टेस्ट होगा। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और आपको भी दिखाऊँगा इस स्क्रैम की परफॉर्मेंस ऑफ रोडिंग में कैसी है। और आगे आने वाले टाइम में हम 450 हिमालयन को देखने वाले हैं, और उसी के रिगार्डिंग ये 411 की टेस्टिंग रखी गई है। आई थिंक उसके बाद 411 डिसकंटिन्यू भी हो सकती है। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। हम आज पूरा एंजॉय करेंगे, ऑफ रोडिंग की पूरा एक्सपीरियंस लेंगे, और बने रहना मेरे को साथ लास्ट तक। नायर सर और प्रदीप लांबा सर राइड को लीड करेंगे, और सबकी सबका ध्यान रखने के लिए पीछे किसको रखते हैं? सर मैं बैक पे रहता हूँ, प्रदीप लांबा जी सबसे आगे रहेंगे, यादव लांबा सर रहेंगे, उनको हमें फॉलो करना है पीछे, उनको कोई ओवरटेक नहीं करेगा, उनको क्या किसी को भी कोई ओवरटेक नहीं करेगा, अपनी एक पोजिशन ले लेना, उस पोजीशन में हमें जिगजैग में चलना है 10-10 मीटर के गैप में, ताकि हम आगे का व्यू देख पाए और एक दूसरे से भाई टच ना हो। तो डाका भाई ने डिस्क्राइब कर दिया है कि हमने जाना है गुड़गांव, स्क्रैम की टेस्टिंग है, और मैं आज लीड करने वाला हूँ सेकंड टाइम। बहुत तेज हो रहे हैं, और डाका जो है विक्रांत डाका भाई वो करेंगे लास्ट टेल। तो बहुत ही लास्ट टाइम भी बहुत बढ़िया स्मूथ राइड हुई थी, तो चलते हैं अब, हमारी बाइक्स रेडी हैं, हम भी रेडी हैं, और मिलते हैं आपको गुड़गावा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं राम बाबू के पराठे, मेरे पीछे है शॉप, और ये मैं सेकंड टाइम आया हूँ। ये हमारी सारी बाइक्स खड़ी हैं रॉयल एनफील्ड की, कम से कम 20 बाइक्स हैं, और अभी पराठे तैयार हो रहे हैं, हमें लगभग हाफ एन आवर हो गया यहाँ पे आते हुए, यहाँ पहुँचे हुए। तो मैं अंदर चलता हूँ और सभी से हम बात करेंगे, अपने दोस्तों से। अच्छा, और मैं दिखाता हूँ कि 40 किलो का जो तवा है उस पर पराठा कैसे बनता है, बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनता है। तो मैं चलता हूँ अंदर, आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं 40 किलो के तवे पे, बहुत ही क्रिस्पी मिक्स वेज पराठा तैयार हो रहा है, और ये देखिए ये देसी घी इसमें डाला गया, ये इस तरह से तैयार हो रहा है। कितना देर लगती है एक पराठे बनाने में? हाँ जी, एक पराठा तैयार होने में कितना टाइम लगता है सर? 5-7 मिनट। 5-7 मिनट। तो ये स्टफिंग हो रही है इसमें, और ये देसी घी है सामने। तो ये पराठा अभी सर्व किया जाएगा विद सब्जी, चटनी, कर्ड और अचार के साथ। तो ये हमारा आ गया है मिक्स पराठा, और ये पेठे की सब्जी है, आलू की सब्जी है, दही है, चटनी है और अचार है, और ये देखिए कितना क्रिस्पी पराठा है विद स्टफिंग है, मिक्स पराठा है, ये काफ़ी अच्छी स्टफिंग है इसके अंदर, और ये सारा ग्रुप हमारा
तो इसका टेस्ट तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो फर्स्ट टाइम ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं बता दूँ अल्टीमेट पराठे हैं, इससे पहले भी मैं खा चुका हूँ और मेरा पिछला ब्लॉग भी आप देखें और बहुत ही शानदार पराठा है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है पूरा और अब हमने जाना है ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स गुड़गांव में और 35 मिनट्स दिखा रहा है यहाँ से, 22 किलोमीटर है और हम 10 बजे तक पहुँच जाएंगे और वहाँ पे स्क्रैम की टेस्टिंग करेंगे, ऑफ रोडिंग करेंगे। तो गाइस हमने अभी शायद सोना रोड की तरफ मुड़ना है और यहाँ पे है चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, वहीं पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आरी द्वारा, जो ऑफ रोडिंग का कुछ बनाया होगा, ऑब्स्टिकल बनाए होंगे और वहाँ से हमने इसको बाइक को लेके जाना है। तो गाइस हम पहुँच गए हैं चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में और यहाँ पर आरी का स्क्रैम का ऑफ रोडिंग स्किल टेस्ट होगा। ये सामने इवेंट चल रहा है मेरे राइट हैंड पे, ये देखिए सारी आरी की बाइक्स हैं और बहुत सारे ग्रुप आए हुए हैं हमारे अलावा भी, ये देखिए सामने। तो गाइस हम हैं चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में और ये आरी का एक टेस्टिंग है कि ऑफ रोड में या ऑप्टिकल में कैसे बाइक आप चला सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए आज इनवाइट किया गया था आरी द्वारा। तो हम जा रहे हैं, एक छोटा से एक दो ऑब्स्टिकल है, कहाँ कहाँ पे जाना है। तो ये छोटा सा एक ट्रैक बनाया गया है ऑब्स्टिकल का, टायरों के अंदर से और ये रैंप। मैं अपने ग्रुप से मिलवा देता हूं और आज की राइड के एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज माय सेकंड राइड विद रॉयल एनफील्ड, इट वाज वेरी गुड और काफी मजा आया। स्क्रैम राइड में स्क्रैम कैसी लगी? स्क्रैम अच्छी थी, मुझे हल्की सी टॉर्क की कमी लगी बट इट वाज गुड और ऑफ रोडिंग के लिए भी इट इज वेरी नाइस। हां बाकी एक्सपीरियंस अच्छा था। आगे मेरा भी एक्सपीरियंस रहा। हां जी, हमें विक्रांत डाका भाई हैं, आज का बताएं एक्सपीरियंस। ये तो हमेशा इनका तो ऑसम होता है सर। एक्सपीरियंस की बात करें तो राइड हमारी बनती है लांबा एंटरप्राइजेस से। ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए आपको राइड का तो या तो प्रदीप सर से कांटेक्ट कर लें या मुझे कांटेक्ट कर लें। हमारा ग्रुप है जिसमें 400 प्लस मेंबर्स हैं और हम हर राइड को एक स्पेशल राइड बनाने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ आप सबके साथ होता है, पूरी टीम है हमारी, उनकी वजह से राइड सक्सेस हो पाती है। थैंक यू सर, थैंक यू। विक्रांत भाई ने एक चीज जरूर की है, हमारी कंपनी ने की। हाँ जी सर, गुरदीप सिंह एंड एक्चुअली राइड तो करते हैं लांबा एंटरप्राइज की, अपने ग्रुप राइड बनाते हैं हम, बट दिस वाज अ स्पेशल इवेंट स्क्रैम का एंड इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। थोड़ा सा ट्रैक होता ऑफ रोडिंग का तो और मजा आ जाता, थोड़ा छोटा था तो उतना बाइक को समझ नहीं पाए बट जितना समझे उतना अच्छा था। बेसिकली हमारा संडे की जो राइड है और एक फन वाली राइड होती है और जो हमने मॉर्निंग में एक ब्रेकफास्ट राइड की, देन हम यहाँ आए हैं क्या नाम है स्क्रैम की राइड पे और एक टेस्ट ड्राइव ली है और अच्छी बाइक है बट जो हम बाइक्स चलाते हैं डिफरेंट डिफरेंट इसके सेगमेंट्स हैं और जो स्क्रैम है, स्क्रैम बेसिकली हिली एरिया और ऑफ राइड के लिए एक बेस्ट बाइक मिक्स है, मतलब सिटी और yes. माउंटेन के लिए बनी हुई है। यस यस मेरे लामा साहब, राइड से पहले तो मैं बेसिकली आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा
कि आज मेरा फर्स्ट आपके साथ इंटरेक्शन, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार मिले। थैंक यू। एंड आई थिंक सबसे पहले तो मैं लांबा साहब से जो आज मैंने सीखने को मिला कि कैसे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर और बैक करते हुए 11,000 किलोमीटर का जो सा आपने किया, इट इज सच अ बिग मोटिवेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। और मेरे ख्याल से आज जो सा हमने स्क्रैम का भी किया और जिस तरीके से रॉयल एनफील्ड ने ऑर्गेनाइज किया, इट वॉज रियली ऑसम। विक्रांत जी हमेशा जो उनसे है ना, हमारे मेन जो उनसे पर्सन, वो कीप्स ऑन मोटिवेटिंग एवरी 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 मेंबर। ये तो है इनको मजा आता है सर, आप सब लोग आ जाते हैं तो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और मुझे तो स्ट्रेंथ के साथ राइड करने में ज्यादा मजा आता है। नहीं बढ़िया है, रजुल है, लांबा साहब इतना मोटिवेट करते हैं राइड के लिए। मैं कह रहा हूं सर आप आए तो मतलब राइड को सर। नहीं नहीं आई थिंक लांबा साहब से मिलके जो उनसे लर्निंग रही ना कि क्या पैशन होता है, और जैसे आपने बताया 7 साल पैसे आपने लाइफ में एक अलग से पड़ाव लेकर आए, आई थिंक रियली आज इनका भी एक्सपीरियंस पूछते हैं बेटा। फर्स्ट टाइम आप आए हो राइड पे? हाँ जी। कैसा लगा आपको राइड? काफी मजा आया। मजा आया, बोर तो नहीं हुए? नहीं, नहीं। मुझे लग रहा बोर हो रहे थे। ये मेरी छोटी बेटिया, मेरी बड़ी बेटिया है, ये डॉक्टरी कर रही है, तो आज ये सुबह ही 5 बजे आई, तो जब मुझे पता चला कि आज राइड है तो मैंने इसको स्टेशन से लेके सीधा लांबा एंटरप्राइज जाए, और वहां से इसका आज का सरप्राइज दे दिया आपने। और मेरे तब से ही अपने फ्रेंड्स को जैसे फोटोज भेज रही है, तो एवरीबॉडी इज लाइकिंग, पता नहीं दिल्ली में लांबा जी क्या करते हैं। चलो थैंक यू वेरी मच सर। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।